बहुत से आराम से आराम से। देखो गाइस ये उठ गए, बन गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सच में। तो आई एम सो हैप्पी। ये देखो अपना घर बन रहा है, इधर देखो अभी जो काका बांध रहे हैं प्रॉपर तरीके से, मेरा घर बन गया, मेरा छपरा बन गया, अब इसके अंदर देखो ये छत आ गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सभी मस्त स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी मैं अपना ब्लॉग गांव के बड़े पापा के घर से शुरुआत कर रहा हूँ, जैसे अभी फोन चला जाते दुख लेके आ रहा हूँ। सो आज अभी बज रहा है सुबह के 8:30 बज गए हैं और आज मैं थोड़ा सा लेट ब्लॉग को स्टार्ट किया क्योंकि आज मेरा घर बनने वाला है। मैं बहुत ही खुश हूँ सच में बता रहा हूँ, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो आप लोग बस एंड तक बने रहना। यहाँ से देखो, यहाँ से होके हम सीधे चलता हूँ और हमें उस घर पे जाना है अभी। इधर से देखो दोस्तों, मेरे गांव का नज़ारा दिखता है, ये रहा मेरा गांव का नज़ारा। वैसे मेरे गांव का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता, शानदार दिखता, मस्त सुंदर, एकदम फैंटास्टिक की तरह दिखता। शुरुआत में ही मेरा घर पड़ गया था, देखो शुरुआत के दौर में ही, पर तरीके से मैं बाहर आ गया एकदम। मतलब धूप देखो कितने तेजी से मेरे शरीर पे आ रहा है, एकदम आँख चमक रहा है, तो मैं प्रॉपर तरीके से गाँव से बाहर आ गया हूँ। गाँव का बाहर का व्यू, और यहाँ से मेरा देखो ये रोड जो आप लोग को दिख रहा है, यहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ से मेरा मकान देखो अंदर जाएगा। चलिए चलता हूँ घर के अंदर, यहाँ मेरा गेट, और यहाँ से हम एंट्री लेते हैं जस्ट अपने घर के अंदर। और फाइनली ये रहा मेरा घर, ये देखो दोस्तों ये रहा मेरा घर, ये देखो बन गया है। अब चलिए मैं इसके अंदर आप लोग को लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन हुआ, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड था कल परसों से कि मेरा घर बन जाएगा। जिन्होंने मेरा घर तोड़ दिया था ना, फिर से देख लो मेरा घर बन गया मेरा घर यार, ये देखो मेरा घर बन गया, ये देखो अंदर आओ, चलो दिखाता हूँ दोस्तों, बहुत खुश हूँ। और ये रहा फाइनली मेरा घर, देखो दोस्तों घर का कंडीशन आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये देखो मेरे ऊपर छत आ गया, बढ़िया आ गया, अब हम रह सकते हैं प्रॉपर तरीके से, हमें धूप नहीं लगेगा और अच्छे से हम यहाँ पर सो सकते हैं। देखो हमने बेड भी शाम को ही लगा दिया था सोने के लिए, जो बोलते हैं तख्ता, और यहाँ पर अपना साइकिल, यहाँ पापा का मोटरसाइकिल सब ला के रख दिए। बस अब एक काम हमको करना है, पता है क्या करना है, इसका लिपैया नीचे करवाना है और कुछ नहीं करना, और इधर से थोड़ा आर बेड करना ताकि प्रॉपर तरीके से धूल वगैरह ना आ सके, बस और कुछ नहीं करना दोस्तों। ये रहा शानदार, बहुत बड़ा तो नहीं है बट जितना भी है मेरे लिए बहुत ही बड़ा है, क्योंकि पता है ना अवकाश से ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो मेरा औकात इतना ही था इसलिए इतना मैंने कर लिया। दोस्तों इसको उठाने में पता है कितने लोग आए थे, लगभग गांव के सारे लड़के आ गए थे, सारे लड़के और दो तीन उसमें मतलब एकदम बॉडी बिल्डर की तरह थे, जो कि वो पुलिस का एग्जाम भी देने वाले हैं और दे रहे हैं, तो वो लोग भी आए थे इसको उठाने के, क्योंकि उनके बाजू में दम होता है। जोर लगा के, बहुत सही, आराम से आराम से आराम से, बहुत सही, आराम से आराम से। देखो गाइस ये उठ गए, देखो आ गया ऊपर, बहुत खुश हूँ, दिल खुश हो गया गाइस, सच में बता रहा हूँ। देखो मेरा मंडप हो गया, बन गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सच में। देखो देखता हूँ घर अपना बन गया, बहुत ही एक्साइटेड। आई एम सो हैप्पी। ये देखो अपना घर बन रहा है, इधर देखो अभी जो काका बांध रहे हैं प्रॉपर तरीके से, मेरा घर बन गया, मेरा छपरा बन गया, अब इसके अंदर देखो ये छत आ गया, सिर के ऊपर छत आ गया, मैं प्रॉपर तरीके से इसमें रह सकता हूँ। और अब ये डेकोरेशन होने के बाद मैं दिखाता हूँ, अभी इसका डेकोरेशन कुछ भी नहीं, देखो कितना गंदा दिख रहा है, चारों तरफ आप लोगों को गंदा दिख रहा होगा, जैसे डेकोरेशन होता फुल ब्लॉग लेके आऊंगा। दिल से आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा फाइनली, देख पा रहे हैं ये बन गया है। सो आप लोग बस एक बात हमें बताइए, तो वैसे आप लोग के प्यार सपोर्ट से देखो घर बन गया फाइनली, और आज पता है मेरे खुशी का ठिकाना है, क्योंकि एक गरीब परिवार, एक गरीब छोटे मिडिल बॉय का जब घर बनता ना, उससे बड़ा उसको क्या चाहिए। ऊपर पता है छत, सिर के नीचे छत आ गया, बारिश धूप में होने से मैं बच गया, जो धूप में जाऊंगा बारिश में जाऊंगा मुझे इधर भटकना पड़ेगा। अब मैं दूसरे के घर पर सोने के लिए दोपहर में नहीं जाऊंगा, अपने ही घर पर मैं सोऊंगा, क्योंकि मेरा घर बन गया प्रॉपर तरीके से। ये सब कुछ बनने का रीजन पता है क्या? आप लोग का प्यार और सपोर्ट। जी हाँ, बहुत भाई कमेंट कर रहे हैं, मैं वो भाई का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कि कौन कौन क्या कमेंट कर रहे हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या कमेंट लोग कर रहे हैं, कि किस टॉपिक की वीडियो लाओ, और तुम क्या कर रहे हो, तुम गंदा बोल रहे हो, ये कर रहे हो, तुम गलत दिखा रहे हो, मैं सारा डिटेल बताऊंगा, सबका कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूं ना, मैं जो मेरे दिमाग में आ जाता मैं वो कर देता हूं, गलत नहीं करता, जो सही आता मैं कर देता, ऐसा नहीं कि चलो छोड़ो छोड़ो बात नहीं, मैं करूंगा। और बस आप लोग बताओ ये मेरा फाइनली कैसा दिख रहा है मेरा घर, क्योंकि दोस्तों हमने बहुत मेहनत किया, मैं पापा मम्मी आप लोगों ने जैसा मैंने वीडियो का क्लिप दिखाया उसे पर उठाने के लिए पूरे गांव के लोग जुड़ गया था, और हम लोग ऊपर गए थे, ये तो दिख रहा है टीना के ऊपर गए थे। तो दोस्तों आप लोग बताओ, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऑन करो अपने छोटे भाई भाई को आप लोग प्यार दो, क्योंकि आप लोग को देना पड़ेगा। मैं एक छोटे मिडिल फैमिली से आता हूँ और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं ईटा का घर बनवा सकूँ, क्योंकि मैं ईटा का बनाऊंगा तो उसमें पैसा इन्वेस्ट होगा, तो मेरे पास पैसा है नहीं, और पैसा कैसे आएगा, बस आप लोग के प्यार और सपोर्ट से। प्लीज आप लोग प्यार सपोर्ट करें ताकि हम दूसरों का मदद भी कर पाए, क्योंकि अब मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मदद
करना चाह रहा हूँ बिक्री नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, अब पैसे की मदद होता नहीं, कोई सामान ला के देना है या कुछ करना है, सपोर्ट करना है, कहीं लेके जाना है तो क्या लगेगा, पैसा लगेगा, मेरे पास पैसा है नहीं तो मैं मदद कैसे करूँ, बस आप लोग ही बताओ, तो प्लीज आप लोग बस अपने छोटे भाई बहन को मदद दो, मुझे प्यार सपोर्ट दो और मैं दूसरों को मदद दूंगा ताकि सबका जिंदगी कंटिन्यू से आगे बढ़ सके, सब मेहनत कर सके, सब जुनून से काम कर सके और प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सके। तो प्लीज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा घर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके अपने छोटे भाई बहन को आप लोग प्यार सपोर्ट दे सकते हो। हाँ।